हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आईएससी 2023 सैम्पल पेपर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर एग्ज़ाम। यहाँ पे 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 आवर्स के लिए होगा। 15 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए मिलेंगी और आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शन ए विच इज़ कंपल्सरी फॉर यू एंड सेक्शन बी, जिसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। सभी के मार्क्स आपको ब्रैकेट में रिटर्न मिलेंगे। सेक्शन ए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें आपको 15 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज, तो एल्कोहल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज। सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल पे जाके इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। अदरवाइज क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज मैक्सिमम इन, मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रॉन्ज आर, ए पोलर कोवरेंट कंपाउंड इज एन एसिड विच हैज़ 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स, द हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। This is numerical. If the RMM of carbon dioxide is 44, then its vapor density is. Drying agent used to dry hydrogen chloride gas. The catalyst used in the Haber process. Ammonia से एक question. An aqueous compound which turns colorless phenolphthalein to pink. कौन सा होगा, एसिड होगा या बेस होगा? कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एसिड बेस और कुछ सॉल्ट्स। द गैस फॉर्म व्हेन कार्बन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथेनॉल अंडरगो डिहाइड्रेशन। 4 गैसेस के नाम है, कौन सी होगी वो? द IUPAC नेम ऑफ मिथाइल एसिटाइलिन। द प्रोडक्ट फॉर्म एट द कैथोड इज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विद निकिल इज। एन एल्कलाई मेटल फाउंड इन पीरियड 3rd एंड ग्रुप 1st। ये 15 क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 1 में। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, तो टोटल 15 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया है, जहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है आपको। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, जिसमें आपको पंजेंट स्मेलिंग गैस मिलेगी। द गैस इज एल्कलाइन इन नेचर। बहुत ही सिंपली आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। पंजेंट स्मेलिंग गैस का मतलब क्या होता है? अमोनिया गैस और एल्कलाइन है नेचर में, तो डेफिनेटली अमोनिया ही होगी। नेम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द गैस जार, पैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर इट, एंड हाउ इज द गैस बीइंग कलेक्टेड। कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है? वोट is the purpose of using why or how will you find that the jar is full of gas। ये complete experiment है, यानी कि ये वाला question आपका preparation of ammonia, laboratory preparation of ammonia से हो गया। फिर आपको जो 5 मार्क्स में आपको 5 questions पूछे गए हैं इस diagram based question पे, figure based question पे। second question इसी का, question number 2 का second part, मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको 5 फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं, हर एक 1 नंबर का है, इसको सॉल्यूशन में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, जिसमें फिर से 5 हैं, आपको ऑप्शन प्रोवाइडेड है, एनी वन आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें से डेफिनेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें से आपको 1 और 2 वर्ड्स आंसर देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टी बाई विच कार्बन बॉन्ड्स विद इट सेल्फ टू फॉर्म लॉन्ग चेन, तो उसको कैटिनेशन कहते हैं। तो ये 1 वर्ड आंसर टाइप के क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। कुछ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं, 2-pentanol, एथेनल एंड 1-butene, इनके आपको केमिकल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। फिर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवेन है, इनके आपको IUPAC नेम देने हैं, जैसे एक एल्कोहल का दे रखा है और एक एल्काइन से दे रखा है।
पहले वाला क्या है 1, 2, 3, 4, 5 ब्यूटेनॉल, और सेकेंड वाला क्या है प्रोपाइन 1। सेक्शन बी की साइड चलते हैं जहाँ पे अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द एनायन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 1-1 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हैं। सेकेंड पार्ट में राइट द प्रोडक्ट एंड बैलेंस इक्वेशन, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बैलेंस इक्वेशन कंप्लीट करनी है आपको। फिर अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, 3 मार्क्स में 3 इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी सॉल्व है सारे क्वेश्चंस। देन अगेन फिल इन द ब्लैंक्स विद चॉइस, जो 3 मार्क्स के 3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूरा करना होगा अगर आपको ये अटैम्प्ट करना है, अटैम्प्ट नहीं 4 में, तो ये कंप्लीट आपको इसके ऑल 4 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे तब आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा फॉर सेक्शन बी। अब आपको क्या करना है, फोर्थ में फिर से आपको 4 पार्ट्स गिवेन है, फॉर ईच ऑफ द सब्सटेंस गिवन बिलो व्हाट इज़ द रोल प्लेड इन द एक्सट्रैक्शन। क्रायोलाइट और ग्रेफाइट का रोल पूछा है, ईच मार्क्स में दोनों का रोल आपको बताना है। देन आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देन आपको एक एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है। फिर आपको थर्ड पार्ट में आप इससे लेबोरेटरी केमिस्ट्री यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग है, जहाँ पे आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स के हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 के 1, 2 एंड 3, 4 ऑल 4th पार्ट कर लोगे ये, तब आपका क्वेश्चन नंबर 2nd कंप्लीट होगा। 5th वाला क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, इसमें बाई फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, ये भी आपके इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। जब कंप्लीट 5 क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल 4 पार्ट्स कंप्लीट करोगे तब आपका, क्योंकि हर एक पार्ट आपका ये 10 मार्क्स का है तो आपको सभी करने होंगे। 6 में सेम आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आप पॉज करके वो लिख कर सॉल्व करिए, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, हर एक क्वेश्चन के अंदर ईच क्वेश्चन कंटेन्स 4 पार्ट्स जिसमें इंटरनल फर्दर डिविजन्स हैं, तो क्वेश्चन पेपर लेंथी है बट, और आपको टाइमिंग 2 आवर्स की होगी, लेकिन डिफ़िकल्ट पैटर्न नहीं है, दैट इज़ ए वेरी इजी, आपको थोड़ी स्पीड अप करनी पड़ेगी और चीज़ों को क्लैरिफाई करना होगा। दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द पेपर फॉर 2023 फॉर ICSE बोर्ड 2023 केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है या इसका सॉल्यूशन देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाके इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।